और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इनकी फिल्म इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में सेलेक्ट भी हुई है It's an अच्छा लगा। सबसे पहले सर जब बताए तो गाना गाने लगे हम <laughs> लोग लेकिन जब अचीवमेंट हुआ मिला तो बहुत ही अच्छा लगा इट्स बिग अचीवमेंट नॉट ओनली फॉर अ फिल्म मेकर फ्रॉम झारखंड बट ऑल्सो फॉर अ फिल्म मेकर ऑफ इंडिया स्टोरी का प्रमाइस है जैसे मैंने दर्शकों को, को भी बताया कि हमारे झारखंड की कहानी है नैन नक्श से ये कैरेक्टर मेरे लिए लॉरेंस बन सकता है तो फिर हमने एक ऑडिशन किया और उसमें मुझे अंततः मिली कि जब हमने उनको उनकी तस्वीर दिखलाई कि अच्छा तुमने ये कपड़ा पहना था तुमने ये कपड़ा पहना था तो रजंती ने ही कहा मुझे कि भैया इतना दिन के लिए कौन कपड़ा रखता है ये तो हम पोछा बना दिया तुमको मेकअप करने की जरूरत नहीं है तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी हो सकता नहीं तो हमको लगता था कि अच्छा अगर हम बहुत गोरे चिट्टे होंगे हम चश्मा लगाएंगे तभी हम हीरो बने छोटा नागपुर डेयरी के सभी व्यूअर्स को जोहार कहते हैं कि फिल्म समाज का दर्पण होती है और कुछ फिल्म स... एंटरटेन करने के लिए बनाए जाते हैं और कुछ फिल्म्स एक समाज का आईना भी होती हैं और हमारे साथ आज एक ऐसी फिल्म के टीम मेंबर्स मौजूद हैं जो हमारे झारखंड में नागपुरी में एक ऐसी मूवी बनाई है जो हमारे झारखंड के समाज का को दिखाती हैं तो हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम जी अंकिता जी और सलीम जी और मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इनकी फ़िल्म इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ़ मेलबर्न 2024 में सेलेक्ट भी हुई है और पूरे देश से सिर्फ 32 फिल्में सेलेक्ट हुई थी और उनमें से आपकी फिल्म एक है जी तो सबसे पहला सवाल तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा महसूस हुआ जब आपको पता चला कि ये फिल्म सेलेक्ट हुई है पहले तो विश्वास नहीं हुआ हमने मेल को दोबारा चेक किया और जब ये कंफर्म हो गया कि ये फिल्म सच में आईएफएफएम में है तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं था आप लोगों लो को कैसा लगा अच्छा लगा सबसे पहले सर जब बताए तो गाना गाने लगे हम लोग <laughs> जब आप लोगों जब काम स्टार्ट किए थे इस फिल्म में तो आप लोगों को कभी ख्याल आया था कि इस इस तरीका का रिस्पांस मिलेगा इंटरनेशनल लेवल पे आपकी फिल्म्स को बिल्कुल तो नहीं सोचा था बस कोशिश करना था कि बनाना है और कोशिश करना है अच्छे लेवल तक जाए लेकिन उम्मीद ही कर सकते हैं बनाने से पहले तो लेकिन जब अचीवमेंट हुआ मिला तो बहुत ही अच्छा लगा और दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा दर्शकों का भी ये ज़रूर जिज्ञासा होगा कि इस स्टोरी का प्रमाइस क्या है जैसे मैंने दर्शकों को, को भी बताया कि हमारे झारखंड की कहानी है तो थोड़ा सा प्रमाइस अगर दर्शकों को आप बता पाए कि किस बारे में है देखिए प्रमाइस अगर आप उस संदर्भ में बात करेंगे कहानी के लिए तो माइग्रेशन को लेके जो बहुत बड़ी एक समस्या है आ, और जो पॉलिटिकल एक और इकोनॉमिक रियलिटी भी है झारखंड का इन सब चीज़ों को हमने इसमें रखने की कोशिश की है लेकिन कहानी जो है वो सेलस्तिना और लॉरेंस के पर्सनल लाइफ के ज़रिए हम दिखला रहे हैं बाकी सारी चीज़ें जो हैं जो समस्याएं हैं जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको हमने पीछे रखा हुआ है तो माइग्रेशन से रिलेटेड एक बहुत बड़ा जो यहाँ एक इशू है लड़कियों का बाहर जाना दिल्ली जाके काम करना काम करना ये एक बहुत बड़ा आ, बड़ी समस्या इसके पीछे है और साथ में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था ये कहानी उस समय हमने लिखी थी तो डीमोनेटाइजेशन का भी बैकड्रॉप है वो लॉरेंस के स्टोरी में दिखता है और सेलस्तना की जो कहानी है वो दिल्ली जाने का कैसे उसका सपना आ, आ, फेल हो जाता है और उसके उसके जो परिणाम हैं वो वो कैसे उसके जीवन में वो भुगत रही है Uh, ये कहानी एक्चुअली इन दोनों के लाइफ को हमने लिया हुआ है कैसे इनकी मुलाकात एक दिन होती है अचानक और फिर एक नई uh, एक नया होप इनकी लाइफ में uh, उभर के आता है कैसे डिमोनेटाइजेशन ने असर डाला पर्सनल लेवल पे कि जहाँ वो काम करता था वो काम उसका बंद हो गया डिमोनेटाइजेशन के कारण अगले छः महीने के लिए काम नहीं होगा तो उस उसकी नौकरी चली जाती है उसके पर्सनल उसके जो रिपोकर्शन थे उसके पर्सनल लाइफ में ये हो गए कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे शादी करने से मना कर दिया जिसका सपना वो बहुत दिन से सजा के रखा हुआ था तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी बड़े इकोनमिस्ट को नहीं दिखेंगी लेकिन एज ए राइटर मैं आ, मैं देख पा रहा था उसको मैंने इसको ढूंढने की कोशिश की और हमको ये स्टोरी पर्सनल लेवल पे हम कैसे बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास बजट कम है तो हम ऐसी कहानियाँ बनाना चाहते हैं जिसमें हम डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखला सकते हैं लेकिन फिर भी परिदृश्य को कैसे हमने बढ़ा रखने की कोशिश की और एक पॉलिटिकल सिचुएशन इकोनॉमिक सिचुएशन जो है नेशनल लेवल पे जो घट घटनाएँ घट रही हैं तो उसको हम इन दोनों जो कैरेक्टर्स हैं इनसे कैसे जोड़ सकते हैं उनके निजी जीवन में कैसे आ exactly. रहा है कैसे हम जोड़ के इसका अपील हम बढ़ा सकते हैं जैसे आपको लीड एक्टर्स चाहिए होंगे हाँ हाँ तो कैसे आपने सोचा कि सलीम जी और अंकिता जी को आप फाइनलाइज करेंगे कि ये हैं हमारे सेलेस्टीन एंड लॉरेंस देखिए ये तो आ, कहानी हमने 2016 में लिखी थी अच्छा डिमोनेटाइजेशन दि, के टाइम पे आ, दो हज़ार से जब मैं लखनऊ से उस समय रांची आया था और मैंने प्लान किया कि मैं छोटी फिल्म यहीं बनाऊंगा। तो कहानी जब मेरे पास तैयार हो गई थी तो बहुत सारी प्रक्रिया थी जिसके तहत मैं फिनांस जुटा सकता था और उस समय मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये मैं स्टेट के फिनांस की जो व्यवस्था शुरू हुई थी शायद मैं वहाँ कुछ करूँ तो, तो प्रपोज़ल मुझे सबमिट करना था और उसके लिए 2017 में ही मुझे प्रपोज़ल पूरा बना के और देना था तो कास्टिंग उसी समय मुझे करना पड़ा 2017 के टाइम पे ही और उसी समय मैं आ, कहीं से मुझे ऑडिशन्स के कुछ टेप मिले और उसमें मैंने सलीब को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि भाई नैन नक्श से ये कैरेक्टर मेरे लिए लॉरेंस बन सकता है और मैंने बात किया और मुझे जब मैंने देखा कि एक्टिंग जिस तरह की मुझे चाहिए आ, रियलिस्टिक एक्टिंग जो चाहिए आ, वो इनमें मुझे दिखने लगा तो मैंने कंफर्म कर दिया और उसके बाद से हम मिलते रहे अंकिता का जो आ, हमारा इसमें आर्टिस्ट का वो हमने डाला इसको ये हमने काफ़ी लेट किया क्योंकि पहले हमने किसी और को उस समय तय किया था आ, लेकिन कोरोना के बाद कोरोना दो साल में निकल गया वो, वो 2020 और 21 तो शूटिंग नहीं हो पाई तो समहाउ जो वो एक्ट्रेस थी उन्होंने हमको मना कर दिया तो फिर हमने एक ऑडिशन किया और उसमें मुझे अंकिता मिली लेकिन शुरुआत में मैं थोड़ा डर रहा था और बाद में जब हम हमने मुलाकात की इससे पर्सनली तो डेडिकेशन और डिसिप्लिन और सबसे बड़ी बात है कि एक्टिंग को अपना करियर मानने वाली जो बात है वो इसमें ज़्यादा दिखा तो आ, मैंने इसको भी फ़ाइनल किया और सलीब तो बहुत दिनों से हमने बहुत सारे रिहर्सल्स किए हमने टीजर बनाया हमने और भी फंडिंग के लिए अप्लाई किया सत्रह के बाद अठारह उन्नीस में हमने बहुत जगह अप्लाई किया हम सब जगह फेल हुए फंडिंग में हम फ़ेल हुए बहुत जगह फेल हुए फेल होते 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 फाइनली हमने 2022 में डिसाइड किया कि अब समय आ गया है कि फिल्म को शूट किया जाए और ये रिस्क लेना पड़ा मुझे uh, मैं आपको सच बताऊँ तो ये एक रिस्क uh, था मेरे फ्रेंड्स uh, uh, दो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने सपोर्ट के लिए बोला और इनिशियली बहुत कम बजट में हमने कुछ शेड्यूल्स के लिए Uh, जो किर मनी होता है वो हमने जुगाड़ किया और वी स्टार्टेड शूटिंग द फिल्म और uh, ये एक बहुत बड़ा रिस्क था और जब विजुअल्स सामने आया तो लोगों का उत्साह बढ़ने लगा और जब uh, पता चला कि यू फाइनलाइज्ड फॉर द पार्ट तब कैसे महसूस हुआ अच्छा लगा था और खुश थे पर uh, था कंफ्यूजन और थोड़ा नर्वसनेस भी था कि शुरू में तो डाउट था कि सच में मतलब सिलेक्शन हो गया है और फिल्म के लास्ट लास्ट तक भी मतलब एक डर था कि कहीं मतलब हट ना जाए क्या क्या होगा एक होता है ना डाउट कि पता नहीं ये फिल्म कंप्लीट होगी कि नहीं क्योंकि बहुत सारी फिल्में होती है रुक जाती है बीच में तो फिर उस, उस उन चीज़ों का भी डर था और इस नहीं, ये बात नहीं है मतलब तो किसी भी तरह की फिल्म है है हाँ, हाँ, है ना चालू होती है, हाँ, लेकिन होने हाँ, के बाद बंद हो है। बंद हो जाती है, तो उस बात का अच्छा नहीं तो लगा था पर वो एक होता है डाउट अब आदमी प्रिडिक नहीं कर सकता ना कि क्या होगा फ्यूचर में तो एक डर था और जब ए, क्या ख़त्म हुआ उसके बाद फिर फेस्टिवल्स में जाने लगा और बहुत सारी फिल्म फेस्टिवल्स में सिलेक्शन भी हुआ हमारा तब फिर हाँ हाँ राहत हुआ कि हाँ हाँ तो एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि आपका मतलब एक्टिंग का आपका क्या बैकग्राउंड है कैसे आप सीखा आपने कहाँ से तो ऐसे बेसिकली कहीं से किसी स्कूल्स में ऐसे जाकर के तो नहीं सीखा है थिएटर प्लेस करती हूँ तो उसके उसके एक्सपीरियंस से ही जो है करने के एक्सपीरियंस से जो है वही एक्सपीरियंस है और शॉर्ट फिल्म्स किया है एक दो और फीचर फिल्म्स में भी किया है पर वो छोटे मोटे रोल्स जैसे होता है पासिंग रोल इसको बोल सकते हैं छोटे मोटे और एज अ लीड तो ये मेरी पहली फिल्म है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत स्पेशल भी है फर्स्ट फिल्म है फीचर फिल्म है तो और इतनी सक्सेस भी पा रही है हाँ और अभी अभी टाइम के साथ अभी बहुत कुछ अचीव भी कर रही है इतने सारे फिल्म फेस्टिवल्स में इसका सिलेक्शन हुआ है तो अच्छा लगता है और सलीम जी आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपको क्या महसूस हुआ और अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को मुझे जब सर कॉल किए फर्स्ट टाइम उसके बाद बोले कि फ्री हो क्या हम बोले कि नहीं सर बाइक चला रहे हैं <laughs> मैं काम पे जा रहा था तो अच्छा ठीक है हम बोले सर बोलिए ना क्या बोलना एक फिल्म है उसके लिए मतलब आपसे मिलना था तो कुछ इस टाइप का स्टोरी है फर्स्ट फर्स्ट कॉल में हम बोले सर स्टोरी बता रहे हैं फर्स्ट अपना अंदर का अनुभव जो था फर्स्ट टाइम में स्टोरी बता रहे हैं लगता है कुछ बड़ा रोल तो ठीक है सर मिलते हैं तो मैं पाँच बजे फ्री हो हो जाऊंगा। तो ठीक है कोशिश करना अगर जल्दी हो जल्दी हो जाए तो तो मुझे ठीक है तो मैं संजय सवाल ऑर्थोपेडिक सेंटर है ना लालपुर में और वहाँ एज ए फिजियोथेरापिस्ट काम कर रहा था उस टाइम अच्छा तो <coughs> सर आ, बोले कि हम लोग आ जाए क्या वहाँ हम बोले सर आ जाइए आ गए तो हमको लगा कि थोड़ा काम जल्दी क्लोज करते हैं निकलते हैं यहाँ से और वहाँ जो सर हैं मेरे पिरबल भगत सर और फिजियोथेरेपिस्ट हैं बहुत सपोर्ट करते हैं शूट करना है जाओ तुम निकलो काम करने के लिए तो अब वहाँ से निकलने के बाद सर बोले कि थोड़ा सा स्क्रीन इस, इस टेस्ट होगा तो वहाँ पे गए कुछ डायलॉग दिए सर इस फिल्म का ही मेरी से कुछ कन्वर्सेशन जो फ़ोन पे होता था उसी के बारे में और वही डायलॉग को मैंने किया सर बोले ओके okay, ठीक है लेकिन हमको डाउट मतलब नहीं पता था ना कि उस टाइम बाद में हमको पता चला कि नहीं हमने उसी टाइम ओके कर दिया था अपना है ना लेकिन बाद में उसी टाइम सर के साथ थे बोले इस टाइप का करके दिखावा तो मैंने फिर से किया वो बोले नहीं ऐसा ऐसा कर को ऊँचा आवाज़ में कम आवाज़ में दो तीन टाइप का बोले तो मैंने अलग अलग तरीके से करके दिखाया और बाद में सर ये हमको लगता है दो तीन साल बाद पता चला होगा या बीच में कभी कि हम तो उसी टाइम तुमको उनको कर लिए थे लेकिन हमको तो नहीं पता था ये भी बहुत मज़ेदार बात है कि इस फिल्म के पहले मैंने कोई Uh, मेरी अगर आप ढूंढेंगे तो कोई फिक्शन का कोई वर्क ही नहीं है देर इज़ नो वर्क एट सच इन माई प्रोफाइल तो मैं ज़्यादा जुड़ा रहा डॉक्यूमेंट्री से नॉन फिक्शनल प्रोग्राम से जब से इंडिपेंडेंट करना शुरू किया 2007 के बाद से अलग अलग जगहों पे जाके काम करना उत्तराखंड में दिल्ली में मुंबई में तो ये भी बहुत लंबा वर्क नहीं था मेरा Uh, अगर कोई बोलता है प्रोफाइल देने के लिए तो मैं बहुत कम चीज़ों में ही समेट लेता हूँ कि अच्छा एक डॉक्यूमेंट्री बनाया था वो 2012 में बनाया था एंड सडनली इज लेंथ फिल्म आफ्टर ऑलमोस्ट ट्वेल्व ईयर्स तो ये मतलब एक बड़ी अजीब सी बात होती है कि भाई इतने साल तक आप क्या करते रहे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत काम करते रहे कुछ और भी करते रहे लेकिन वो एक सब्सटैशल आपका वर्क नहीं रह पाया तो फिक्शन हमने कभी किया नहीं था लेकिन मैं जब से हमने फिल्म के बारे में सोचा था हमने फिक्शन ही सोचा था अपने लिए कि आई विल मेक फिल्म वन डे और वो वन डे uh, 2022 में आया बट आई आई हैड स्टार्टेड वे बैक इन 2000 तो इतने साल तक हम सीखते रहे बहुत सारी चीजों से गुजरे इससे आपने दुनिया... पहले भी बताया हाँ, था कि बॉम्बे में आप में भी आपने जी, काम करा जी, जी, है सीखा से जी, जी। तो ये एक लंबा सफर रहा है तो हमने सोचा कि हमारी मुंबई में भी बहुत बातें होती थी इनके बारे में इस तरह के सेटअप के बारे में और एक टाइम तक हमको ये नहीं पता था कि इतने कम बजट में कोई फिल्म बनती है या हमने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे जीरो बजट की बात हम हमेशा करते थे कि वाई वी मेक फिल्म ऑन आर ऑन इतने लोगों की ज़रूरत हमने जो सेटअप देखा है वहाँ एक टाइम पे जब हमने शुरुआत किया तो 100 से ज़्यादा क्रू मेंबर्स होते थे एक सेट पे एक दिन में तो ऐसे सेटअप में अगर जब आप काम करेंगे और वहाँ से कितना भी आप दूर आएंगे तो हमको यही पता था कि पाँच करोड़ से नीचे के बजट की फिल्मों को लो बजट कहते हैं लो बजट कहते हैं तो यहाँ आने के बाद जब इस फिल्म की तैयारी चल रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक शॉर्ट फिल्म करके ज़रा देखा जाए और थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगा कि ये छः दिन की शूटिंग हम कैसे कर पाते हैं हम खाना कहाँ से ला रहे हैं गाड़ी कैसे आ रहा है एक्टर्स को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं Uh, मेरा ये अपना था कि कैमरा कोई और नहीं करेगा कैमरा आई डू द कैमरा माई सेल्फ सिनेमाटोग्राफी में मेरा दिमाग शुरू से चलता था हुँ. तो ये मैं खुद कैसे करूँगा इन सब चीज़ों को हमने उसी शॉर्ट फिल्म में करके देखा तो ये सब हमने करके खुद एक्सरसाइज देख लिया और मुझे लगा कि हम तैयार हैं फिल्म के लिए और वी शुड स्टार्ट शूटिंग आर फीचर लेंथ फिल्म इट्स अ बिग अचीवमेंट नॉट ओनली फॉर अ फिल्म मेकर फ्रॉम झारखंड बट ऑल्सो फॉर अ फिल्म मेकर ऑफ इंडिया ऑफकोर्स आप कह सकते हैं क्योंकि भाषा के तौर पे हम एक लोकल हमारा आ, वो हो जाता है कैटेगरी हो जा हो जाती है लेकिन आ, आ, उनके उनके लिए ये कोई ज़रूरी बात नहीं थी कि आ, किसी भी फिल्म को वो रख लें तो आ, आ, किसी ने उनको बोला नहीं है कि आपको रखना ही है लेकिन अगर मैं आज सेलस्तिना एंड लॉरेंस का पोस्टर देखता हूँ कि मेरे अगल बगल इस तरह की फिल्में हैं जो पिछले दो और चौबीस की मतलब चुनिंदा फिल्में हैं दुनिया भर में नाम करने वाली फ़िल्में हैं भारतीय है ऐसी फ़िल्में हैं अलग अलग फेस्टिवल्स में तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान है इट्स एन इट्स 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 एन ऑनर टू टू ऑल ऑफ अस ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि ये फिल्म हमारी पहली फिल्म पर्सनल लेवल पे हमारी पहली फिल्म वहाँ चली गई है आर्टिस्ट के लिए जिन लोगों ने इसमें काम किया प्लस स्टेट के लिए इस भाषा के लिए बिल्कुल यहाँ के लोगों के लिए इन सब सबसे अब जुड़ाव मैं मैंने महसूस करना शुरू किया आपने एक तरीक़ा से इस झारखंड के समाज को आपने इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी आपने सर्व कर दिया कि आप हमारे समाज को भी आप देख सकते हैं इस फिल्म के माध्यम से मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि इस फिल्म के दौरान शूट करने के टाइम पे आपके एक्सपीरियंसिस कैसे रहे एक आपने मुझे बताया था कि अंकिता जी जो हैं वो डे लेबरस के साथ लालपुर में उन उनसे भी सीखने के लिए वहाँ पर भी गए थे तो कुछ बताइए उसके बारे में एक्सपीरियंस के बारे में तो वहाँ पर लालपुर चौक में जो है अग्रसेन चौक वहाँ पे तो बचपन से ही स्कूल के वक्त से ही देखा है कि वहाँ कैसे लेबरर्स खड़ी रहती है एक साइड में मेल्स और एक साइड में फीमेल्स तो वो तो बचपन से ही देखा था पर जब सेलेक्शन हुआ और जब फिल्म का रिक्वायरमेंट था कि लेबरर्स के साथ शूट करना है और वो जो फलस्तना है जो कैरेक्टर भी है वो ख़ुद भी एक तरह से लेबर ही है तो उसके लिए कि कैसे उनका दिनचर्या होता है कि कैसे वो लोग पूरा दिन स्पेंड करते हैं एज अ लेबर तो उसके लिए एक प्रैक्टिस करना था तो पहले तो सर ने कहा कि चलो आज चलते बोल के तो सर आए उनके साथ एक और भैया थे वो आए और मैं तो हम तीनों गए वहाँ पे और वहाँ पे एक वो है ना स्वीट का उदयन बना तो सर इस तरफ थे आ, वही उदय ना में नाश्ता हाँ, किया इसको भेज दिया था जाके सामने सर ने जैसा रिक्वायरमेंट था जैसा आ, हमारा कॉस्ट्यूम भी है उसी तरह से कुछ कहा कि उसी तरह से सिमिलर पहनकर आना जो कि तुम डिफरेंट ना लगो लेबर्स से तो फिर नाश्ता करने के बाद सर इधर ही रह गए और फिर बोले जाओ पर जाकर फिर लगभग आधा घंटा हाँ आ, आधा घंटा आधा आधा नहीं, थे ना, नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं थे। आधा घंटा के लगभग वहीं उनके बीच ही खड़े थे तो वो कैसे बात करते हैं कैसे वेट करते रहते हैं फिर कैसे जब कोई ठेकेदार आता है जो उनको लेने के लिए वो पर डे के हिसाब से काम करते हैं तो उनको आते जब है ठेकेदार तो कैसे वो अप्रोच करते हैं अपनी तरफ से कि ये हमको ले जाइए हमको ले जाइए ऐसे बोल के इतना लेंगे आज का इतना लेंगे मेरा इतना है तो वो सब सब देखे उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा हाँ बॉडी लैंग्वेज और सारे, सारे चीज़ कि कैसे वो लोग रहते हैं एक दूसरे से कैसे बात करते हैं और फिर एक दिन खुद से भी मैं गई कि जाते हैं और देखते आपने सर को बताया था या ऐसे ही गए थे ये बिना बताए गई थी हाँ। अकेले अच्छा तो वो सेकंड टाइम वो बिना बताए जा कर के बीच में खड़े थे तो उसी तरह से ऑब्जर्व किया और उसके बाद फिर जब हम लोग शूट कर रहे थे उस टाइम तो और भी इंटरेस्टिंग था मिक्स हो गए हम लोग सर ने जो कुछ लोगों को सेलेक्ट किया था उनसे बात किया हुआ था तो उनके साथ सर मुझे खड़े कर दिए वहाँ पे और जो मेरी को एक्ट्रेस थी जो मेरे पड़ोसी के किरदार में है उनके साथ और एक बच्ची भी है वो जो सलस्तियाना है उसकी एक अपनी बच्ची है वो एक बच्ची की माँ है तो उसके साथ तो जब हम लोग खड़े हुए उस दिन शूट हो रहा था शूट के बीच में ही और उसके बाद भी जब प्रोसेस में तो वहाँ के जो लेबरर्स थी वो लोग मतलब मेरे ऊपर दया ये करने लगी कि बच्ची को लेके आई है अच्छा। इतना आ, इसको प्रॉब्लम होता होगा ऐसे करके ऐसे उसके बाद फिर ये ऐज ठेकेदार ये आए थे वहाँ पे अच्छा। तो जब ये लेने आए तो हम लोग कैमरा रोल था हम लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि हाँ हम लोग को ले जाइए तो ये बोल रहे थे कि नहीं नहीं कैसे बच्ची के साथ कैसे करूँगी तो हम लोग बोले नहीं नहीं कर लेंगे कर लेंगे वो पार्ट था डायलॉग्स का पार्ट था आ, हा, हा, तो कर लेंगे कर लेंगे तो जो मेरी पड़ोसी थी वो भी बोल रही है कि ले जाइए ना सर ले जाइए ना और वहाँ जो अगल बगल में उनको कुछ <laughs> आइडिया नहीं है कि शूट हो रहा है, हो रहा है। वो लोग सच में सच में रियल चल रहा है फिर ये बोले कि अच्छा चलो मतलब ये हम लोग को काम के लिए अब कर लिए तो जो लेडीज थी वो फिर डांटने लगी कि जवान ये लोग जा रही वो दरअसल सच की रियल लेबरर्स रेजा ही का काम करती थी और उनको हमने आ, रखा हुआ था कास्ट किया हुआ था तो वो उनको अपना काम बिल्कुल पता था कि हमको कैसे खड़ा होना मैं है। आना चाहूंगा कि हाँ। जैसे आपने बताया था कि रियल लाइफ में जो डेली दे, वेज लेबरर्स जो हैं जो रेजा जिसको जैसे आपने कहा उन उनको आपने इस फिल्म में लिया तो उनको ढूंढना उनको बच समझाना वो प्रोसेस के बारे में बताइए बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये दिक्कत ये आ रही थी कि जूनियर आर्टिस्ट तो हमको मिल नहीं रही थी कि हम जिनको उस रेजा के भेषभूषा में ट्रेन करके खड़ा करें तो ये जो था ये अब मुझे लास्ट में ऐसा महसूस होने लगा कि मुझे कोई कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है और मुझे अब जाके रेजा लोगों से रेजाओं से मिलके और बात करनी पड़ेगी और इनसे ही रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप मेरी फिल्म में एक्टिंग कर दो जिनका संबंध एक्टिंग से नहीं है और वो कुछ और काम कर रहे हैं उनसे अगर हमने दो दिन काम ले लिया और कंटिन्यूटी में अगर हम कहीं फंस जाते हैं और वो कहीं चली जाती हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बात ब हम कहाँ से लेके आएंगे हम कैसे फिर करेंगे तो आपने जो शूटिंग किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा फिर से आप नई तरह से शूटिंग करो लेकिन रही बात ढूंढने की तो वो हमने ढूंढा टुपुदाना में जहाँ मुझे बहुत आसानी से ऐसा लग रहा था कि अप्रोचेबल हैं और मैं जा के उनसे पूछ सकता हूँ लेकिन मैं दो तीन दिन मुझे लगा डायरेक्टली उनसे ये पूछने में कि आपको इस काम के लिए मैं चाहता हूँ क्योंकि मैं एक दो दिन जा जाता और घूम के सबको देख के और मुझे ऐसा ऐसा डर लगता कि भाई इनको मतलब कैसे अप्रोच करूं मैं कि क्या बोलूं ये कैसे समझेंगी कि ये व्यक्ति मेरे पास क्यों आया है तो फिर भी हमने अप्रोच किया और रजंती करके जो लास्ट में उस उसकी उसके गांव की ही सारी महिलाएं हैं और उसी ने फिर इसका बीड़ा लिया उठाया कि सारी महिलाओं को मैं अरेंज करूंगी ये सारी मेरे गांव की हैं तो उसको मैंने वो किया कि तुमको ये वो कंफर्म करना पड़ेगा कि कोई जो बंदा है वो यवंदी हैं या लेबरर्स हैं वो फिक्स होनी चाहिए हमको पता होना चाहिए कि तुम कहाँ रहती हो और फिर हम उससे जान पहचान बढ़ा के फिर धीरे धीरे हमने उनका घर देखा जाके कि कहाँ रहती हैं उनका फीस तय किया और फिर हमने शूटिंग की और हमको ये समस्या आई भी कि कैसे एक आ, जो इनिशियली हमने सोचा था कि स्टार्ट टू एंड हम शूटिंग करके इनको फ्री करेंगे ये प्रैक्टिकल था सोल्यूशन जब ऐसी समस्या आ रही है तो आपको शुरू से अंत शूटिंग करके और इनको फ्री कर देना चाहिए कहीं फंसने की जरूरत नहीं है लेकिन हुआ ये कि जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे हम गए शूटिंग का परमिशन हम किसी तरह से लिए उन्होंने तीसरे दिन हमको वहां से विदा कर दिया परमिशन नहीं मिल परमिशन हमको उसके बाद नहीं मिल रहा था वो जो आ, जो बहुत क्रूशल शूटिंग था हमारा ढलाई का क्योंकि कहानी से बहुत जुड़ा हुआ ये वाक़ था कि ढलाई का एक दिन ही मिलेगा लॉरेंस के उसमें कहानी में लॉरेंस का जो पार्ट आता है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जब इसका जॉब चला गया तो ठेकेदार ने इसको बोला कि एक बस तुम आओगे एक दिन ढलाई का काम है उसके बाद से काम तुम्हारा बंद और उसी ढलाई के दिन सेलस्तिना की मुलाकात लॉरेंस से होती है या लॉरेंस की मुलाकात सेलस्तिना से होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था हम किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे और जो एक रियलिस्टिक ड्रांजर हम बोल सकते हैं इसको जो हमको दिखता था कि जब ढलाई होती है तो कैसे मशीन्स हैं लोहा है, चल है, सीमेंट है। इनमें इनमें ये लोग कैसे काम कर रही हैं महिलाएं है। ये हमको दिखलाना था खास करके सेलिस्ती को हमको दिखलाना बहुत जरूरी था और भी कहानी में बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई थी वो हमको ऊपर जाने का परमिशन नहीं दिया और उसके बाद हमने करीब रांची के जितने रियल स्टेट वाले लोग होंगे वहाँ पर्सनली जा जा के उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें शूटिंग का परमिशन दे दो किसी ने हमको वो नहीं किया फाइनली हमको जब मिला तो बहुत लेट हो चुका था और तब हमने हमने चांस लिया हमारे पास कोई और चारा नहीं था लेकिन जब हम जाके उन महिलाओं को ढूंढे जिन्होंने पहले तीन दिन में काम किया था तो वो महिलाएं वहीं थीं बस दिक्कत ये हुई कि जब हमने उनको उनकी तस्वीर दिखलाई कि अच्छा तुमने ये कपड़ा पहना था तुमने ये कपड़ा पहना था तो रजंती ने ही कहा मुझे कि भैया इतना दिन के लिए कौन कपड़ा रखता है ये तो हम पूछा बना दिए <laughs> हमको मेजर जो फ्रंट में जितने चेहरे थे जो दिख रहे थे वो सारे लोग वापस मिल गए और एक दो जो चेंज वेंज भी हुए तो वो इतना ज़्यादा परेशान हमको नहीं किया वो सिनेमा में आपको देखने से पता नहीं चलेगा तो ये जो पूरा एक्सरसाइज था कि रियल लेबरर्स विमेन लेबरर्स को अपनी फिल्म में कास्ट करके काम करवाना ये बड़ा ही यूनिक है यूनिक है चैलेंजिंग था और उनको भी बहुत मज़ा आया आ, जैसे हम हम जो भी कर सकते थे उनके लिए आ, पेमेंट से या खाने पीने से या व्यवस्था से हो सकता है कि हम अपने आर्टिस्ट को उतनी व्यवस्था नहीं देते थे कि अगर आ, उनको वापस आना है तो गाड़ी लेके रात में उनको घर तक छोड़ना ये सारी चीज़ें हमने इस बात का ख्याल रखा तो बहुत मज़ेदार था और आप लोगों से आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप लोगों ने जो फिल्म बनाई है उसके दौरान आपने काफ़ी मुश्किलें आपने फेस की होंगी तो आप लोगों के थ्रू हम जानना चाहेंगे कि हमारे जो अदर फिल्म मेकर्स हैं हमारे नागपुर इंडस्ट्री के झारखंड छोड़ा नागपुर एरिया के उनको उनके बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे उनको और आ, सरकार के तरफ से क्या हेल्प आप एक्सपेक्ट करेंगे इन फ्यूचर ताकि इंडस्ट्री हमारी ग्रो कर पाए तो फिल्म मेकर्स जितने भी हैं उसमें एक तो बहुत सारा कैटेगरी है एक्चुअली और आ, सब लोग अपने जगह पे अपना अपना काम कर रहे हैं सबके लिए एक कंजीनियल जिसको इन्वामेंट कहते हैं आ, वो मिल सके अगर फिल्म मेकर किसी खास छोटा नागपुर के इलाके से बिलोंग करता है तो वहाँ से जुड़ी कहानी लेके आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहानी में मौलिकता बजाय इसके कि हम नकल करें आ, हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं बड़ी इंडस्ट्री जो हमारी है आ, जो बहुत मेन स्ट्रीम में फैली हुई है उसको कमाना जा रहा है हम हमेशा उसी के प्रभाव में आके काम अगर करते रहेंगे तो हमारी अपनी मौलिकता नहीं आएगी और मौलिकता अगर आती है तो दूरदराज के देशों में नेशनल uh, लेवल पे जो सराहना आपको मिलती है वो आपकी मौलिकता के कारण आपको मिलती है कि आप कितने ओरिजिनल हैं और जब हमारी फिल्म बन रही थी तो बहुत सारे मेरे आर्टिस्ट ने पूछा मेरे से कि सर आपने जब बोला मुझे कि तुमको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है नहीं तो हमको लगता था कि अच्छा अगर हम बहुत गोरे चिट्टे होंगे हम चश्मा लगाएंगे तभी हम हीरो बनेंगे और दूसरी बात सरकार इसमें कितनी मदद कर सकती है स्टूडेंट्स uh, की फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट्स की तो अब मास कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे मुझे ऐसा पता चला कि अब फिल्म मेकिंग के कोर्सेज हो रहे हैं बहुत बाहर जाके ही पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है बहुत पैसा खर्च करके ही पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ ऐसी फैसिलिटीज़ अगर यूनिवर्सिटी में भी मिलती है हमको हुँ. अगर हमारे प्रोफेसर्स हमारे जो आ, जो फिल्म मेकर्स हैं कंटेप्रेरी जो यहाँ से बिलोंग करते हैं वो अगर स्टूडेंट्स को प्रेरित करें जो मैंने बोला कि जरूरी है फिल्म मेकर्स के लिए उन चीज़ों को मुहैया कराएं स्टूडेंट को तो बहुत चांसेस है कि वैसा माहौल बन सकता है जहाँ स्टूडेंट आगे चल के जो फिल्म मेकर बनेगा वो ऑलरेडी एक्सपोज्ड होगा इस तरह की चीज़ों के लिए वो तैयार होगा वो मौलिकता ढूंढेगा और लोकल फिल्म कार जो हैं यहाँ पे उनको बाद में सब्सिडी देना तो अच्छी बात है लेकिन अगर कहीं आ, कुछ ऐसे प्लान्स हों जहाँ गवर्नमेंट हर साल आ, कुछ स्क्रिप्ट्स का चुनाव करे और बहुत ही कम बजट में जैसे फिल्में बनती हैं तो हुँ. ये इसका इसका जो जैसे एन भी फिल्म प्रोडक्शन के लिए बजट देता है आ, अगर बजट लाया जाए दिक्कत है तो मैं मुझे नहीं पता है लेकिन अगर लाया जाए तो वो कहीं ज़्यादा हेल्पफुल होगा बजाय इसके कि आप प्रोटोकॉल में फंस जाएं आप बहुत सारी चीज़ों में ऐसे फंस जाएं कि आप सब्सिडी के लिए अपना पेपर ही ना सबमिट कर पाएँ मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्सिडी तो आफ्टर द मेकिंग ऑफ द फिल्म यू आर एंटाइटल टू गेट सब्सिडी और एनीथिंग बट आई एम टिंग अबाउट गिविंग ग्रांस टू स्क्रिप्ट इन्वाइट न्यू फिल्म मेकर्स टू मेक फिल्म इन छोटा नागपुर रीजन in in its own languages. तो आप लोगों से अंकिता जी सलीफ जी से आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि एज एन एक्टर आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस आने चाहिए और अगर गवर्नमेंट से कुछ आपको मदद की जरूरत है तो वो क्या होनी चाहिए तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए Uh, अगर एक्टर्स से डायरेक्टली बोले तो उनको ये कहना चाहूँगी कि एक्टर्स या फिर एक्ट्रेसेस उनसे कि जो अपने काम को लेके इंटेंशनल रहने के लिए और इसके पीछे नहीं कि फेम हो जाएगा ये काम करने से या फिर ऐसा फेम के पीछे नहीं जाना चाहिए फेम uh, तो एक बाई प्रोडक्ट है आपका जो काम है वो इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए आपको इंटेंशनल होना चाहिए कि जो काम करे वो जेनविन हो और गवर्नमेंट से यही होगा अपील कि कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए एक बॉडी होना चाहिए जिसमें जो एक्टर्स है यहाँ के केवल अगर छोटे एरिया की बात करें ज़िले की बात करें रांची की भी तो कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिसमें जो एक्टर्स है जो काम करते हैं जिनको एक्सपीरियंस है वो लोग लो लिस्टेड होने चाहिए ताकि उनको जब काम आए तो उनको जिनका हक हाँ है जो पेमेंट वाइज भी बोले और काम काम के ये भी नज़रिए से भी बोले तो उनको जितने वो कैपेबल है उस हिसाब से उनको मिले उनका जितना हक बनता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बिचौलिए होते हैं बीच के जो लोग वो लोग जहाँ से पैसा मिलता है वहाँ से भी ले लेते हैं पर वो जो है एक्टर्स जो काम किए हैं जो मेहनत किए हैं उनको मिल नहीं पाता है तो बीच में ही वो गायब हो जाता है तो ये बहुत बड़ी एक सच्चाई है और लोगों को मालूम है पर लोग इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि कौन ही बोलेगा किसको ही बोलेगा मेन तो पता ही नहीं है कि किसको बोलना है और किन से मांग करें कि हमारी जो कमाई है या फिर जो भी हमारा जो हक बनता है वो हमें मिलनी चाहिए क्योंकि अगर जो एक्टर्स हैं वो काम कर रहे हैं और इनको इसी में इंटरेस्ट है वो चाहते हैं कि यही हमारा करियर हो प्रोफेशनली हम कमाएं या फिर ऐसा तो उनके लिए तो ज़रूरी है कि वो जो काम करते हैं उनका उनको हक मिलना चाहिए तो बस यही एक अपील है आप कुछ कहना चाहेंगे सलीम जी क्योंकि ये सब प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि काम बहुत कम लेवल पर हो रहा है मान लीजिए आप काम कर रहे हैं एज है ए प्रोड्यूसर तो आप एज ए प्रोड्यूसर भी सोचिएगा कि कितना हम लगा रहे हैं तो अर्निंग हो इससे आप, आप काम कीजिएगा एक तो बड़ी मुश्किल से आप पैसा लगा रहे हैं एज ए मैं दोनों तरफ से देख रहा हूँ अजे आप प्रोड्यूसर हैं मान लीजिए एल्बम ही कर रहे हैं तो आप पचास हज़ार लगा रहे हैं आर्टिस्ट को पेमेंट कर रहे हैं कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं लेकिन आपको ये पता नहीं है कि हमारा पचास भी लौटेगा कि नहीं लौटेगा आप ये प्रोड्यूसर को टेंशन है शौक़ से हम लोग बना देते हैं आप इस जगह आर्टिस्ट सोचता है कि अरे मेरा तो कुछ मिला भी नहीं है ना और उस जगह दोनों एक दूसरे का कभी फ़ायदा भी उठाते हैं ये तो हर इंडस्ट्री में होता ही है क्यों क्योंकि काम कम हो रहा है अगर आप सोचिएगा कि अरे हम आपको मौका दे रहे हैं पेमेंट का तो बात ही दूर है। हम आपको मौका दे रहे हैं पहला ठीक है उसके बाद एक्टर भी सोचेगा अगर ज़्यादा डिमांड करेंगे या कुछ होगा तो जैसे अगर नॉर्मल कुछ भी काम अगर मान लीजिए जैसे बोले कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन रहे और वहाँ भी आप अगर काम कर रहे हैं तो डिमांड कीजिएगा तो आपको बुलाया नहीं जाएगा अगर हम काम उठाए हैं काम कर रहे हैं तो सब जगह से कुछ, कुछ ना कुछ बचना चाहिए ना और बचा के क्योंकि हम प्रोफेशनली कर रहे हैं मेरा यही काम है तो परिवार पालना है तो सारा मेन मुद्दा है यहाँ काम कम होना सारा जो छोटा मोटा जो प्रॉब्लम है उनको पेमेंट कम मिल रहा है या प्रोड्यूसर कम दे रहा है बिचौलियाँ खा जा रहा है अगर काम होगा तो हम किसके पास जाएंगे जो हमको सही पेमेंट करेगा और आप किसको लीजिएगा जो सही काम करेगा और आप बोल ही भी नहीं सकते हैं कि अरे चांस दे रहे दूसरा जगह चला जाएगा ना काम करने में काम कम होगा ज़्यादा काम होगा तो ये प्रॉब्लम बहुत हद हाँ तक सॉल्व हो जाएगा तो उम्मीद है कि आप सबों को आज का हमारा जो इंटरव्यू और डिस्कशन है वो अच्छा लगा होगा और मैं साथ ही हमारे जो मेहमान हैं हमारे जो चैनल में जो आए हैं पहली बार उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप सबों का जो हमारे निमंत्रण को आप लोगों ने स्वीकार किया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर की तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ आना अच्छा लगा होगा और सारे दर्शकों को हमारे सबके तरफ से मैं सबकों को एक साथ हम लोग जोहार कर देंगे हमारे सारे दर्शकों को पहले उसके पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा <laughs> आपने हम लोगों को सबको पूरी टीम को हम लोगों को बुलाया सर ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है इट्स प्लेजर सर कि आप यहाँ पे आए और हमें बहुत खुशी हुई और उम्मीद जरूर रखेंगे कि आप फिर से हमारे साथ आएंगे फिर से कुछ नए डिस्कशन हमारे साथ जरूर करेंगे जी जरूर तो सभी दर्शकों को हम सबों की ओर से 就喊，就喊。